ये देखो हम कहाँ आए हैं, ओरछा। और यहाँ पे ये बेतवा नदी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे मौसम अच्छा है आज का। आज हम, मैं और मेरे हस्बैंड नदी घूमने आए हैं, और ओरछा घूमने आए थे। ओरछा के राम राजा जी के दर्शन करने आए थे, और यहाँ पे नदी भी घूमने आए हैं। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है। और आज पुखना क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है ओरछा में। और देखिए कितनी खूबसूरत नदी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो जिसको बोटिंग करना हो तो बोटिंग भी कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मौसम अच्छा है दोस्तों। और मैं हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं? तो आज आप सबको नदी दिखाते हैं। और वहाँ पे देखिए बोटिंग हो रही है, तो वहाँ पे बोटिंग हो रही है। तो कुछ इस तरह से बोटिंग बहुत ही अच्छा लगता है बोटिंग करने में। और देखिए वहाँ पे बोटिंग हो रही है। और अगर आपको घूमने आना हो, ओरछा धाम दर्शन करने और आना हो राम राजा सरकार के, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और खूबसूरत सीनरी का एंजॉय ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, तो आप ज़रूर आइए। और हम झांसी में ही रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से ओरछा पास है, तो हम आते रहते हैं ओरछा दर्शन करने। और देखिए काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे भूल भुलैया। और यहाँ पे नदी के पास का एक मंदिर है, तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ के मंदिर। देखिए तो आप घर बैठे ओरछा की नदी बेतवा नदी का एंजॉय करिए, लुत्फ़ उठाइए। और हम चलते हैं बस, क्योंकि बहुत देर हो गई है, तो हमें जाना है घर। अब हाय दोस्तों, बस ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत लगता है नदी किनारे। और वहाँ पे देखिए कुछ बच्चे आए हैं बाहर से, शायद ग्वालियर लिखन के टी शर्ट पर, ग्वालियर से आए हैं, स्पोर्ट्स के लिए आते हैं बच्चे यहाँ पे, और घुमाने के लिए स्कूल से आए होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत से लोग बाहर से आते रहते हैं घूमने के लिए, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे देखिए वहाँ पर बोटिंग हो रही है, तो बोटिंग भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छी होती है बोटिंग, बहुत ही अच्छा लगता है बोटिंग करने में। बट आज हम नहीं कर रहे हैं बोटिंग। और यहाँ पे लोग कुछ नहा रहे हैं, कुछ बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं पानी में। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड तक, बाय। और कैसा लगा आपको बेतवा नदी, भरे ज़रूर बताइए कमेंट करके। बाय दोस्तों।